हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार आज की वीडियो है अबाउट हाउ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड टू iOS, जो कि व्हाट्सएप का यार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और फ्री तो यार बहुत मुश्किल से होता है। तो यार फ्री वाला तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता इतने अच्छे से, और तो फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पर, जो कि आपको लगता है अगर आपने सुना है व्हाट्सएप पर के बारे में कि भाई कौन सा सबसे बेस्ट है। तो मैंने को लगता है कि मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद अपने लिए भी वही यूज़ किया था और आपको बता देता हूँ कि कैसे उसका यूज़ करने का तरीका होता है। तो यार ये सबसे पहले आपको गिव अवे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से आप वीडियो पे जा सकते हैं कि यार मेरा बोट जेनेट वॉच का गिव अवे चल रहा है, जो किसका ग्रीम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस ग्रीम लिंक पर आप क्लिक करें, व्हाट्सएप क्या भाई यूट्यूब सब्सक्राइब करें, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर फॉलो करें, तो आप एक पार्टिसिपेंट बन जाएंगे और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप वो जीत सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो यार मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे मेरे पहले 5,000 सब्सक्राइबर हो और पहले 10,000 हो तो आई विल डोनेट दैट अमाउंट, ताकि आई कैन हेल्प थ्रू माई यूट्यूब। और बैक टू द वीडियो, क्या होता है नॉर्मली आप डाउनलोड करो आप प्ले स्टोर से और उसको पेड है वो ऐप 1600 रुपये के आसपास मिलती है, कभी कभार 1200-1300 की मिल जाती है अगर आप लकी हो तो। मेरे को मिल गई थी 1200-1300 में ही, क्योंकि उस समय डिस्काउंट चल रहा था। एक महीना पहले ली थी मैंने वो ऐप और ट्रांसफ़र कर लिया और अब फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। तो व्हाट्सएप पर की ऐप में जाओगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, एंड्रॉयड टू आईफोन और आईफोन टू एंड्रॉयड, ठीक है। तो मेरे केस में एंड्रॉयड टू आईफोन करना था, मैंने ये क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद ना वो आपसे ऐसा पूछेगा कि इफ़ डिटेक्टेड बैकअप करके, तो आपका लास्ट बैकअप जो भी होगा ना इस पर्टिकुलर फ़ोन पे उसके अकॉर्डिंगली वो यूज़ कर लेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ले रहा है 1 मार्च 2022 का, और मैंने यस कर दिया। और यस करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे आ गए, आपको यहाँ फ़ोन नंबर एंटर करना पड़ेगा। जब आप फ़ोन नंबर एंटर कर दोगे ना उसके बाद आपका, जैसे मैं एंटर कर देता हूँ फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर ये रहा, एंटर हो गया, ठीक है। तो फ़ोन नंबर जैसे ही एंटर करोगे ना, प्लीज़ कंफर्म दैट मोबाइल नंबर दिस इज सेम एज द मोबाइल नंबर फॉर बैकअप। तो ऐसे करते करते आप व्हाट्सएप इसके अंदर आप लॉगिन कर दोगे अपना, और जैसे ही आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो जाता है ना उसके बाद जैसे आपको ट्रांसफ़र करना है तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो लाइटनिंग केबल के थ्रू और टाइप सी केबल के थ्रू, जैसे ये टाइप सी है फ़ोन दो, और या फिर पीसी के थ्रू कर सकते हो करना चाहो तो। बट मैंने यार आपको यही बोलूँगा कि आप लाइटनिंग टू टाइप सी करना और बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाके आपको बस व्हाट्सएप लॉगिन करना है और दो चार ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा कम्प्लीटली। तो बहुत ही ईजी और बहुत सेल्फ इंट्यूटिव ऐप है मैं आपको बताऊँ तो, और फ्री का तो यार देखो चक्कर है नहीं क्योंकि नहीं हो रही फ्री में, आप क्या ही बोल सकते हैं, इसके अलावा तो क्या ही ऑप्शन है। और बट यार इसकी ना कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मैंने नोटिस किया, यार कोई नहीं बात करता बट मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि यार अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपके क्या क्या इश्यूज़ आपके पास आ सकते हैं। जो सबसे पहला इशू आएगा वो यार आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे लेट से मेरे पास पुराना, मान लो मैंने आधार कार्ड अपना किसी को, अपने आप को ही सेंड कर रखा है लेट से, किसी ने मुझे भेज रखा है, तो मैं ना वो सर्च नहीं कर सकता उसके नाम से। तो ये कि बहुत बड़ा पेन हुआ मैंने स्टार्टिंग में ही एकदम से देखा, और मैंने कहा मेरे को तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे, तो मुझे लगा मेरे डॉक्यूमेंट्स आए नहीं। बट भाई फिर मैं गया अपने मी वाले फोल्डर में या जिसके से मेरे को जो डेटा आना था, और मैं वहाँ जाकर चेक कर रहा हूँ तो डेटा है और मैं खोल रहा हूँ, खुल रहा है, बट सर्च नहीं कर सकते आप। तो ये एक बड़ा पेन पॉइंट आने वाला है आपके साथ। तो आपको सर्च कैसे करोगे अगर आप नया डॉक्यूमेंट किसी को भेजोगे ना, लेट से मैंने आपको भेजा तो आपका डॉक्यूमेंट अब दिख जाएगा बट पुराने वाले नहीं दिखेंगे जब तक इस फ़ोन पर डेटा नहीं था। तो ये एक बड़ा पेन पॉइंट मुझे लगा। इसके अलावा आपकी सारी आर्काइव चैट नॉर्मल चैट बन जाएंगी, तो वो एक अलग पेन है यार, सारे वापस जो भी आप चीज़ें आर्काइव कर रखी थी लोगों से जिनको आपको नहीं बात करनी थी या जो भी था, वो सब नॉर्मल में आ गए, वो भी एक अलग सिरदर्दी है। उसके बाद आपके सारे के सारे जो भी म्यूट कर रखे थे, अपने बंदे म्यूट कर रखे थे, ग्रुप म्यूट कर रखे थे, वो अनम्यूट हो गए, तो भाई वो एक अलग वर्ड से रखा पाई है। मतलब सब कुछ दोबारा से आपको एक बार ना फ्रेश से ही करना पड़ जाएगा, तो वो एक बड़ा पंगा है। इसके अलावा ग्रुप भी सर्च कभी कभी वर्क नहीं करता, मान लो मेरा ग्रुप है ABCD, तो ABCD नहीं मिल रहा मुझे, मैं ABCD ग्रुप के अंदर ऐसे स्क्रॉल करके जा रहा हूँ, बटन दबा के फिर खोल रहा हूँ तो उसमें आ जाता है यू आर एडिड, ऐसे करके आता है यू आर एडिड, फिर उसके बाद सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो मतलब एक एक बार ग्रुप खोलोगे तो फिर आप सर्च कर पा रहे हो। तो ये एक थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप पर में दिक्कत है, बट यार इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो सीधी सीधी चीज़ है, तो आप इशूज़ हैं नहीं है जो भी है ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको यूज़ यही करना पड़ेगा क्योंकि यही सबसे रिलायबल है और डिसेंट है और जल्दी से हो भी जाता है काम इसमें। देखो टाइम लगता है डेटा ट्रांसफर में, जल्दी तो नहीं कह सकता मैं, अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं डेटा ट्रांसफर में डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। तो मेरा तो हो गया था आधे पौने घंटे में, मेरा ज़्यादा था नहीं, मैं 2-3 GB से ऊपर नहीं रखता अपना व्हाट्सएप का डेटा, मैं उड़ा देता हूँ बाकी फालतू की चीज़ें। तो अगर आपका इतना है तो हो जाएगा थोड़ा जल्दी, बाकी कहीं होगा मैंने सुना है 40-50 GB, एक मेरे दोस्त का था तो भाई वो तो कह रहा भाई 6 घंटे तक लगा रहा।
तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी तो यार यही था यार आज की वीडियो के अंदर, तो सिंपल और क्रिस्प वे में मुझे आपको बताना था कि व्हाट्सएप पर क्या है और उसके आपके पास मतलब क्या क्या इश्यूज उसमें आ सकते हैं जब आप करोगे। इसके अलावा यार मेरा एक गिव अवे लाइव चल रहा है जो कि है बोट्स एंड वॉच का, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ग्लीम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद उससे आप क्लिक क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टा को फॉलो, ट्विटर को फॉलो, तो आप बन सकते हैं एक गिव अवे विनर जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है। इसके अलावा मेरा कैंपेन चल रहा है जिसमें 5,000 10,000 जैसे मेरे सब्सक्राइबर होते हैं तो उतने पैसे आई विल डोनेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।